हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर राहुल शर्मा हूँ एंड आई एम एम्प्लॉयड एट नारायणा जयपुर एज़ अ कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट आज हम बात करेंगे कि एनजियो के बाद हमें क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए एनजियो के बाद इंसान जब घर जाता है तो कई लोग भयभीत होते हैं कि मेजर ऑपरेशन हुआ है क्या करना है क्या नहीं करना है तो इसमें सिंपल चार पांच रूल्स होते हैं जो हमें ज़रूर से फॉलो करें तो आसानी से अपन ज़िंदगी नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं इमीडिएट फ्यूचर में जैसे ही आप मतलब जैसे एनजियो से पहुँचे अगले दिन तो चाहे आपके रिस्ट से एनजियो हुई हो चाहे आपकी थाई से एनजियो हुई हो लोकल साइट पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए वहाँ से कोई सूजन या फिर वहाँ पे नीलापन या फिर वहाँ पे ब्लिस्टर्स वगैरह कुछ आए तो आप तुरंत डॉक्टर से वापस संपर्क करें नंबर टू अगर आपको कोई छाती में रिपीटेड दर्द होने लगे या फिर सांस फूलने लगे तो आपको इमिडिएटली डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए तीसरा और जो सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि एंजोप्लास्टी के बाद मेडिसिन हम रेगुलरली खाएँ कई बार ये देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी के शुरू के दिनों में तो मेडिसन्स जो कि खून पतला करने वाली ब्लड थिनर्स एंटी प्लेटलेट्स कहलाते हैं कोलेस्ट्रॉल कम करने की मेडिसिन होती हैं स्टैटन्स कहलाती हैं जो डायबिटीज़ अगर आपको है तो किसी को इंसुलिन लग रहा होता है किसी को गोलियां दे रहे होते हैं जिनको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर की मेडिसन्स होती हैं तो ये ब्रॉड जो तीन चार ग्रुप की मेडिसन्स होती हैं तो शुरू में तो मरीज बहुत स्ट्रिक्टली लेता है शुरू के एक महीने दो महीने चार महीने उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाता है मरीज मरीज अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लग जाता है तो मरीज दवाओं में लापरवाही बरतता है और जब ये लापरवाही या केयरलेसनेस बरतता है तो वो मरीज के लिए प्राणघातक हो सकती है इट कैन बी वेरी डिजास्टरस तो मेरे हिसाब से मरीज़ को ये कुछ समझ में आना चाहिए कि कुछ दवाइयाँ हैं जो शुरू के दिनों में डोज़ हायर डोज़ में चलती है और धीरे धीरे जैसे वक्त बीतता जाता है तो वो डोज़ कम हो जाती है बट कुछ दवाइयाँ तो आपको ज़िंदगी भर लेनी ही पड़ेंगी ये आपको समझना चाहिए दूसरा एक चीज़ होती है अगर आप स्मोकिंग या टोबैको के आदि रहे हों किसी भी फॉर्म में बिफोर एनजियोप्लास्टी वो आपको बिल्कुल ही छोड़ना पड़ेगा न ये बोलना बड़ा आसान होता है कि स्मोकिंग या टोबैको छोड़ दें बट ये छोड़ना उतना ही मुश्किल तो मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद से नहीं छोड़ पा रहे हो तो घर वाले की सपोर्ट प्लस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वगैरह की सपोर्ट लेके ये ज़रूर से छोड़ें क्योंकि अगर आपने ये स्मोकिंग या टोबैको इन एनी फॉर्म लिया तो देर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपका रिकरेंस हो सकता है हार्ट की प्रॉब्लम का हार्ट अटैक का रिकरेंस हो सकता है चौथा अगर हम देखें खान पान अच्छा खान पान का हिंदुस्तान में ये एक बड़ा वो रहता है कि अपन आ आ रहे होते हैं जो प्लास्टिक सडन मान लो आपको अटैक हुआ है उसके पहले एक दिन पहले तक आप घी तेल अच्छे मात्रा में यूज़ कर रहे होते हैं और घर जाते ही सडनली आप एकदम उबला खाना खिला रहे होते हैं तो ये मरीज़ इस टाइप के मरीज़ हम कई अक्सर देखते हैं कि सात आठ दिन दस दिन या पंद्रह बीस दिन बाद वापस आते हैं कि साहब कमज़ोरी बहुत हो रही है प्लस अपन मेडिसिन भी दे रहे हैं तो एकदम घी और फैट्स वगैरह जीरो ना करके उनको मॉडरेट अमाउंट में देना चाहिए जो अपन पहले यूज़ कर रहे थे उसका 10-15 परसेंट अपन यूज़ करें ताकि मरीज़ खाना भी प्रॉपर अमाउंट में खाता रहे और उसकी पौष्टिक आहार शरीर में जाए एंड जो हम डाइट चार्ट अपने अनारायण से देते हैं उसको या किसी भी हॉस्पिटल से आपको मिल रहा होता है उसको ज़रूर से फॉलो करें क्योंकि वो डाइट चार्ट एज़ पर डाइटिशियन आपका अकॉर्डिंग टू योर हार्ट पेशेंट बनाया जाता है एक हम और गलती कई बार करते हैं कि एक्सरसाइज एक्सरसाइज मरीज़ पहले नॉर्मल अपनी एक्टिविटीज़ कर रहा होता था और एंजियोप्लास्टी के बाद कई बार हम देखते हैं कि एकदम ही एक्सरसाइज छोड़ जाता है बेड पे ही रहता है ये बिल्कुल गलत है धीरे धीरे हमें मरीज को इनक्रेज करना चाहिए कि ट्राई टू कम बैक टू योर नॉर्मल लाइफ जो भी आपका जीवन शैली थी ग्रेडेड वे में ये नहीं कि अगर आप पहले छः किलोमीटर चलते थे तो छ किलोमीटर चलने लग गए धीरे धीरे स्टार्ट करें जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली आराम से अलाउट कर सके जितना आपकी बॉडी कंफर्टेबली अलाउ करे उतना आप चले और जितना आप धीरे धीरे चलेंगे फिरेंगे घूमेंगे उतना आपकी ब्लड को भी न्यूट्रिशन बढ़ेगा न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी तो ये चार पांच चीजें थी जो कि आपको मेजरली बता दें एक्सरसाइज खान पान द, आ, दवा लेना एंड कोई इमीडिएट ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुरंत अपने डॉक्टर को चाहे वो रात में भी क्यों ना हो संपर्क जरूर करें थैंक यू